आईपीएल स्टार्ट होने की, तो अभी जैसे रणजी ट्रॉफी ख़त्म हुआ है तो अभी उसके बाद थोड़े लोकल टूर्नामेंट्स हैं T20, उसके बाद फिर 10th of March अराउंड अपने हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी कैंप की। तो यही अभी तक यही चल रहा है। आरसीबी में आप वो क्या कुछ टीम के अंदर आपको सीखने को मिला? बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उसके अंदर, विराट है, तो क्या कुछ उनसे सीखने को मिलता है? नहीं, जैसे आपने कहा बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और अभी जैसे हमारे कैंप स्टार्ट होगा 10th of March, तो मोस्टली सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। तो वही जो मैचेस स्टार्ट होने से पहले जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसमें आप जितना भी आपको पूरा सीज़न में जो आप चीज़ करते हो ना, वही चीज़ आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस 10 दिन में आप जो प्रैक्टिस करोगे वही आपकी रिफ्लेक्ट होती है आपके पूरे सीज़न के लिए। एक बेस कैंप बहुत अच्छा, आरसी का फैन बेस बहुत है, लेकिन हर बार कप से चूक जाती है टीम, तो इस बार क्या उम्मीद है कि क्योंकि फैंस पे भरोसा रहता है कि आरसीबी हमेशा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, इस बार कब तक पहुंचेगी टीम? नहीं, नो डाउट, जैसे आपने कहा कि फ़ैन बेस जो है आरसीबी का बहुत काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग है, तो ये सच बात है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी रियल फैंस हैं आरसीबी के। लेकिन जीत की बात है तो यही है कि कॉम्बिनेशन की बात होती है कभी कभार, और कुछ चीज़ें होती हैं कभी लक साथ नहीं देता, कभी कुछ कई फैक्टर्स होते हैं जो आपके साथ नहीं चलते। बट एज अ टीम मुझे लगता है जितने मैं 2 साल में देखा है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डेफिनेटली मतलब इस सीज़न हम डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे। और 20 सालों में आईपीएल ने कभी चमकते सितारे भारतीय टीम को दिए, चाहे बुमराह हो चाहे और ऋषभ पंत हो, बहुत खिलाड़ी। क्या लग रहा है कि आपको ऐसा यंगस्टर की आईपीएल जो है बेस हो चुका है आपके सिलेक्शन में, तो आईपीएल में ज़्यादा मेहनत फोकस हो रहा है या रणजी में ज़्यादा फोकस है डोमेस्टिक? नहीं, डेफिनेटली आप देखोगे कि अगर आप आईपीएल में अच्छा करोगे तो आप मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप नेशनल साइड में आप आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट साइड बाय साइड आप देखोगे जैसे सरफराज भी है कि आप डोमेस्टिक में आप इतना अच्छा करते हुए आया और तो उनको चांस मिला है। तो बट ये कहीं ना कहीं मतलब दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आईपीएल एक मतलब बिगर फैक्टर है आपने नेशनल साइड आने में। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा स्टेटों में अगर आप देखोगे कि आईपीएल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है प्लेयर्स, मतलब जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं आईपीएल, तो डोमेस्टिक जो है मिस कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कहा डिवीज़न ने जो भी बोला है कि कंपलसरी कर दिया है खेलना, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी सरफराज ने जितनी मेहनत डोमेस्टिक में करी है उनको आखिरकार नेशनल की जगह मिल गई, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में आपने ये उम्मीद जागी कि किलो के हिसाब से रन बनाएं और मिलेगा मौका? डेफिनेटली कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म करोगे तो आपको डेफिनेटली नेशनल मतलब कॉल अप जरूर मिलेगा आपको, मेरे हिसाब से अगर आप करते रहोगे परफॉर्म तो डेफिनेटली। आरसीबी की बात दोबारा करूँगा, विराट विराट लंबे समय से इसमें कप्तान भी रहे, विराट विराट से आपको क्या कुछ टिप्स मिलती हैं, विराट से क्या कुछ सीखने को मिला? नहीं, क्या ही बोलूँ, उनके काफ़ी मतलब अगर साथ में भी रहोगे तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनके वर्क एथिक्स जो हैं बहुत ही मतलब बता नहीं सकता कि कितने अच्छे हैं, कि आप उनको अगर देखोगे भी मतलब बिना कुछ पूछे भी अगर उनको सिर्फ आप देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब वो जो 2 महीने अगर हम उनके साथ रहते हैं तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ। तो सर टफ कौन रहा, क्योंकि अब गुजरात टाइटंस भी हो चुकी है, लखनऊ जयंती हो चुकी है, तो सबसे टफ टीम कौन सी रही है? टफ टीम तो नहीं कहूँगा, बट जो बिगेस्ट राइवलरी होती है वो है आरसीबी और सीएसके की, तो वो जो मैच होता है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है, मतलब अगर हम आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। सीएसके द्वारा धोनी का होना टीम में कितनी बड़ी बात लगती है? बहुत बड़ी बात है, जो मतलब इंसान जो स्टंप के पीछे से जो चीज़ें कर सकता है ना, वो चीज़ें कोई नहीं कर सकता। तो वो मैंने जैसे कहा कि जो बिगेस्ट राइवलरी है और मतलब जो सबसे बड़ा मैच कहा जाता है आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आरसीबी और सीएसके का। तो अगर सीएसके की बात आपने कुछ बिना कहीं सीख लिया हो, जैसे मैंने कहा कि आप अगर आप बड़े प्लेयर को सिर्फ देखोगे ही ना तो बहुत कुछ सीखने में मिलता है। मेरे हाँ उनसे इंटरेक्शन हुआ है बहुत बारी आईपीएल के दौरान ही, तो मतलब अगर आप मतलब उनसे मैंने कहा कि बिना कुछ मतलब पूछे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो छोटे मोटे टिप्स हैं तो पूछ लेता हूँ मैं अगर जब भी मिलने का मौका मिलता है आईपीएल के दौरान। इस बार क्या तैयारी? नहीं, डेफिनेटली जैसे लास्ट ईयर मतलब मैं फिनिशर का रोल निभा रहा था, तो काफ़ी अच्छा लास्ट में आते आते मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो वही है कि वही मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा, यही आने वाले जो पहले 10 दिन का जो कैंप होगा उसमें जो प्रैक्टिस करूँगा उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब कि वही मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ आने वाले सीजन के लिए। अनुज आखिरी सवाल लीड हो चुकी है, अब होता है सिर्फ टीम इंडिया में यू मिस आई हेट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, कितना मुश्किल अभी आया था यंगस्टर अपनी टीम में जगह बनाना? नहीं, डेफिनेटली जैसा आपने कहा बेन स्ट्रेंथ जो है सभी टीमों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो वही है कि मतलब अगर एक आध मैच नहीं करते तो आपको मतलब वो लगने लग जाता है कि नहीं मेरे को कोई रिप्लेस कर देगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़राब चीज़ है। बट आप देखोगे कि मतलब प्लेयर्स इतने सारे हैं और मतलब टीम्स कम हैं, तो मतलब उस हिसाब से आपको हर एक मैच में मतलब आपको अपना 100% देना पड़ेगा, हर मैच परफॉर्म करना पड़ेगा। थैंक यू।